हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप स्वामी और आज आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ मेरी लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी। जब ये बात 2007 की है, जब मैंने इंजीनियरिंग को पास आउट करके मैं मुंबई गया। मुंबई जब जा गया तो काफ़ी स्ट्रगल किया टेक्निकल जॉब के रिगार्डिंग, लेकिन नहीं मिल पाया, जिसके कारण मुझे सेल्स इंडस्ट्री को भी देखना पड़ा। उस वक्त मेरी सेल्स की इंडस्ट्री के प्रति इतना रुचि नहीं थी, लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री में आया, पर मैं उस वक्त आया जब मेरे पास कुछ नहीं था और ऐसा दिन ऐसे दौर चल रहे थे जब खाने के लिए पैसा नहीं था। तो मैंने जब सेल्स इंडस्ट्री में पहला कदम रखा और एक कंपनी है जिसका नाम ग्लोबल डायरेक्ट है, जहाँ पे वोडाफोन के सिम कार्ड बेचे जाते थे मुंबई में। उस वक्त मैंने उस कंपनी को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि 7 दिन जो आपका ट्रेनर होगा, जो आपको ट्रेनिंग देगा, वही आपको कुछ ना कुछ खिलाए, जो आपका लंच है चाहे आपका ब्रेकफास्ट है वही मैनेज करेगा। और आफ्टर 7 डेज आप फील्ड में जाएंगे और उन पर पिच करेंगे और सेल्स लेके आएंगे। तो 7 दिन एक अच्छा ट्रेनर के साथ में रहने का मौका मिला और कहीं ना कहीं एक अच्छा खाने का भी मौका मिला। तो उस अपॉर्चुनिटी को मैंने छोड़ा नहीं और ग्रैब किया। 7 डेज बहुत कुछ सीखा, बट 8th डे जब मेरी लाइफ का पहला दिन था अकेले फील्ड में जाना और मेरी टेरिटरी थी सेंटा क्रूज ईस्ट। जब यकीन मानेंगे दोस्तों, एक इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट जब मार्केट में गया तो उसे अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं है, कारण एक शाई किस्म का इंसान था और कभी कभी भी मार्केट में कभी गया नहीं और किसी कुछ कुछ लोगों से बात किया करता था जो भी रिलेटिव या जानकार थे, अननोन से बात करना आता ही नहीं था। तो उस वक्त एहसास हुआ कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मैं फर्स्ट टाइम पिच करने गया तो मैं बिल्कुल नर्वस हो गया और मैं चला गया उस नर्वसनेस को दूर करने के लिए बीच के ऊपर। उस बीच की जब लहरें जब मेरे पास में आती थी, जब मैं देखता था उन लहरों को बार बार आती थी, काफ़ी मैं पत्थरों से टकरा के वापस जाया करती थी। मैं बहुत उस वक्त मतलब नर्वस था, मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था उस वक्त, लेकिन उन लहरों ने मुझे ऐसा मौका दिया कि यार मैं कभी हार नहीं मानती, मैं भी तो बार बार आती हूँ जाती हूँ आ रही हूँ जा रही हूँ, मुझ मैं भी बार बार टकराती हूँ, वापस मुझे फेंक दिया जाता है। तो उस वक्त मुझे हौसला मिला कि नहीं प्रदीप, बैकअप बकअप 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 करते हैं और कुछ नया करते हैं। तो मैंने शुरुआत की, नेक्स्ट डे से मार्केट में अपने आप गया, मार्केट में बहुत कुछ सीखा, हर व्यक्ति से मिला जो व्यक्ति मार्केट में एक कोल्ड कॉलिंग करके होता है, तो वहाँ पर मैंने कोल्ड कॉलिंग किया, किसी को जानता नहीं था। मार्केट में गया, बहुत सारे लोगों को पिच किया। फर्स्ट मंथ मैंने 5,000 रुपीज़ कमाया, सो कि ठीक है काम चल रहा था। लेकिन नेक्स्ट मंथ से मेरी जो इनकम थी वो 35,000 × 2007 हो गया था। एक टीम लीडर भी बन गया था और मैं टीम को हैंडल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये टीम की ताकत थी जिसके कारण मैं आज वहाँ पे ये इनकम ले पाया। और इस टीम की ताकत को जानकर मैं एक इंडस्ट्री में भी गया, इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी